और मैं ख्वाहिश से गुजारिश करूंगा कि वो वेलकम का कोर्स गाएं और आप सब भरपूर तरीके के साथ तालियां बजाएं और भाई साजिद आएंगे और पास से याद सुलेमान को और सुलेमान को आप सबकी भरपूर तालियों के अंदर खुशामदीद कहूंगा कि वो आए और सलामी साहब के लिए तौर पर नाम लें तालियां कम है आपकी हालेलुया सबको जय मसीह की जय मसीह की प्लीज सभी बैठे आप खुदा आपका बरकत दे उम्मीद करता हूं कि आप प्रभु में सभी खुश होंगे और आपके चेहरे जो है बड़े मुस्कुरा रहे हैं तो इसका मतलब है कि खुदावंद आपके साथ है और आप प्रभु में खुश हैं हालेलुया 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 बहुत ठंडा गर्म चीज हालेलुया भाइयों की तरफ से अभी ठंडा है तेज कीजिए इसको हालेलुया बड़ी खुशी की बात बताने लगा हूं कि आसमान की बादशाही में सबसे ज्यादा बहनें होंगी तालियां बजाइए बहनों के लिए और इससे डबल खुशी की बात यह है कि भाई भी किसी से कम नहीं है भाइयों के भी सारे हो जाइए मैं शुक्रगुजार हूं अपनी बड़ी बहन बहन सरी तो उन्होंने मुझे मधु किया और मैं एक छोटा सा खादन हूं लेकिन उनकी मोहब्बत का उनका आप देखे हैं तो मैं भाई का नाम क्या है राहिल मैं चाहूंगा कि जिस तरह इन्होंने हमें वेलकम किया है हम भी इनको वेलकम करते हैं जो है वो है शिफा का टॉपिक होता है और मुझे बताया गया कि आपके पास जो टाइम है वही है तो मैं कोशिश करूंगा कि इस टाइम के अंदर हम अपने शिफा को लें बरकत को लें ताजगी को लेकर जाएं तो आज का टॉपिक है यू आर डॉक्टर क्या है यू आर डॉक्टर बताइए बोलिए जरा मेरे साथ रहना आपने क्या है टॉपिक आज का यू आर डॉक्टर यानी कि यहाँ पे हर एक बैठा जो है वो डॉक्टर है आप मामूली लोग नहीं हो कीमती लोग हो खुदा आपसे प्यार करता है मैं इसी तरह स्टडी कर रहा था अपने ऑफिस में तो जब मैं स्टडी कर रहा था तो खुदा ने मुझसे कलाम किया और कलाम क्या किया कि यार तू डॉक्टर है मैंने कहा मैं डॉक्टर नहीं हूँ मैंने तो कोई कोर्स भी नहीं किया MBBS नहीं किया मैंने मेरे पास कोई डिग्री नहीं है तो फिर मैं किस तरह डॉक्टर हूँ तो फिर मैंने उस बात को अपने जहन में लिया मैंने सोचा कि मैं इससे आगे जाता हूँ बढ़ता हूँ और कि किस तरह खुदा मुझसे कह रहा कि तू डॉक्टर है और जब मैं थोड़ा सा आगे गया तो खुदा की आवाज आई उसने कहा तेरी बीवी भी डॉक्टर है क्या है तेरी बीवी तेरी वाइफ जो है वो भी क्या है डॉक्टर है क्या है तेरी वाइफ 10 साल हो चुके हैं हमारी शादी को थैंक्स लॉर्ड कि अभी भी हम यंग है हालेलुया तो खुदा ने कलाम किया कि तेरी वाइफ जो है वो भी क्या है डॉक्टर है सोचा किस तरह मेरी वाइफ डॉक्टर है मैं डॉक्टर हूं खुदा आज क्या मुझे सिखाना चाहता है मैं फिर कलाम की तरफ रुक किया कलाम को पढ़ा तो फिर जैसे ही थोड़ा सा आगे गया तो खुदा ने कहा तेरा बेटा भी डॉक्टर है तेरा बेटा भी क्या है अजीब खुदा डॉक्टर डॉक्टर खेलना शुरू हो गया मेरे साथ
कि तुम डॉक्टर हो, डॉक्टर हो. फिर मैंने और आगे जाकर स्टडी की तो फिर खुदा ने कहा तेरी बेटी भी डॉक्टर है. हालेलुया, हालेलुया. और जैसे जैसे मैं आगे गया तो फिर खुदा ने कहा कि तेरी कलीसिया के तमाम बच्चे, बूढ़े, नौजवान, बहन भाई सब के सब डॉक्टर है, कोई कंपाउंडर नहीं है. अब आप परेशान होंगे कि हम किस तरह डॉक्टर हैं. सुन लीजिए, आपके पास अथॉरिटी है, अथॉरिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट. आपके पास यीशु मसीह का इख्तियार है. उसने आपको इख्तियार दिया है कि जाओ सांपों को, बिच्छुओं को, अब प्लीज की सारी ताकत बेकार लगाओ और कुछ लो. और ये अथॉरिटी किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से है. और ये अथॉरिटी आपको पता कौन सी है? लोग कोर्स करने के लिए, MBBS डॉक्टर बनने के लिए और बहुत सारे कोर्स करते हैं और एक बड़ा डॉक्टर बनना चाहते हैं. उसके बाद शायद वो पैसा लगाते होंगे, मेहनत करते होंगे, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका जाते होंगे, लेकिन फिर जाकर उनको कोई 10 साल के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है और वो उनकी अथॉरिटी होती है कि ये भाई, ये बहन क्या है? डॉक्टर है. लेकिन मेरे पास जो अथॉरिटी है, मेरे पास सर्टिफिकेट ये है, ये खुदा का कलाम है, ये अथॉरिटी है. और ये अथॉरिटी आपके पास है और आप सभी खुदावंद यीशु मसीह के क्या हो? डॉक्टर हो. वो कैसे? सुनना चाहते हो? सुनिए. जिस्मानी डॉक्टर जो है उनकी जो उनकी नजर होती है आपकी सेहत पर कम होती है, पॉकेट पे ज्यादा होती है. ये जिस्मानी डॉक्टर जो बैठे हुए सब के सब, इनकी नजर ज्यादा किस पे होती है? पॉकेट पे, और आपकी सेहत पे नहीं होती. ये जिस्मानी डॉक्टर जो है ये आपकी बॉडी का इलाज करते हैं आपको बेहतर करने के लिए, लेकिन जो आप डॉक्टर हो आप रूह का इलाज करते हो. आप जमीन में से रूह को उठाकर आसमान पर ले जाने वाले डॉक्टर कौन है? आप सभी डॉक्टर हो. खुदा ने आपके दिल के अंदर ये कलाम रखा है और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप सभी डॉक्टर हो. आज शिफाया टॉपिक है, तो आइए मेरे साथ निकालिए मरकस रसूल की मार्फत यीशु मसीह की अंजील, उसका 5 बाब और उसकी 25 आयत. और यहां पर लिखा है, अगर कोई पढ़ना चाहता है जल्दी से पढ़ सकता है क्योंकि टाइम शॉर्ट है. मैं ज्यादा कलाम की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ. मैं चाहूंगा कि भाई ने बहुत अच्छी मीटिंग प्रेजेंट कर रहे थे, जोरदार तालियां बजा दीजिए, मैं खुश हो रहा हूँ. मरकस 5 और उसकी 25. मरकस सूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, मरकस की अंजील 5वां बाब और उसकी 25वीं आयत. कलाम मुकद्दस के अंदर कुछ इस तरीके से मरकूम है, फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा ना हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी. यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी. आमीन. बहुत शुक्रिया. इस वचन के अंदर हमने देखा है कि एक औरत है जो बीमार है और कितने